हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दी स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, आज हम सुज़लोन एनर्जी कंपनी के बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, इसमें हम डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के प्रोज एंड कॉजेस, पीएस कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न प्लस कंपनी का लास्ट 5 ईयर का कंपनी का ग्राफ का परफॉर्मेंस भी हम इसमें देखेंगे। सो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोस के। सो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो सुज़लोन कंपनी, ये जो कंपनी एक पावर सेक्टर कंपनी, ये पावर जनरेट करती है वाइंड टर्बिन के रिलेटेड। एंड ये कंपनी की अगर बात की जाए, सो ये कंपनी 1995 में कंपनी स्टार्ट की गई थी। एंड ये स्मॉल कैप कंपनी है। ये कंपनी के पास अच्छा खासा मार्केट कैपिटल भी है। ये कंपनी का मार्केट कैपिटल भी है 8,878.13 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। एंड ये कंपनी का अगर आप देखें, तो ये कंपनी का जो भी लास्ट क्वार्टर जो भी रिजल्ट्स आए थे, कंपनी का जो भी रिजल्ट्स था, अच्छा खासा रिजल्ट्स भी आया था, वो रिजल्ट भी हम डिस्कस करेंगे इस कंपनी के बारे में भी। एंड ये कंपनी की एक और चीज़, ये कंपनी के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं तुलसी आर तंटी, ये कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। सो चलिए अब हम कंपनी का डेटा डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैपिटल दिया हुआ है 8,878 करोड़ कंपनी का मार्केट कैपिटल है। स्टॉक पी आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड आरओसीई दिया हुआ है 11.0%। ये कंपनी का अगर आप डेप्ट देखें, तो कंपनी के ऊपर डेप्ट है 6,614 करोड़ कंपनी का ऊपर डेप्ट है। एंड क्वार्टरली जब भी लास्ट में इसका रिजल्ट आया था, उसमें देखा गया था कंपनी ने अपना जो डेप्ट है उसने रिड्यूस किया, कम किया हुआ, इंटरेस्ट पे किया हुआ है इसने। एक कंपनी का करंट प्राइस देखो, तो कंपनी का करंट प्राइस दिया हुआ है 9.75 रुपीज़ है कंपनी का करंट प्राइस अभी चल रहा है। सो आपका जो, अगर आप इस कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको शेयर जो है 9 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। कंपनी का बुक वैल्यू आपको देख सकते, बुक वैल्यू दिया है -3.64 रुपीज़ का दिया हुआ है। आरओई देखें तो परसेंट में यहाँ पर नहीं है। वर्किंग कैपिटल कंपनी का है 681 करोड़ कंपनी का वर्किंग कैपिटल है। कंपनी का हाई लो देख, कंपनी का हाई दिया है 13.1 रुपीज़, एंड कंपनी का लो दिया है 4.36 रुपीज़। सो आप यहाँ पे आप इजीली आप टारगेट रख सकते हैं 13 या 15 रुपये, आप रख सकते हैं टारगेट, बिकॉज कंपनी का हाई देख सकते हैं 13.1। एंड ऐसे मोस्टली जो भी पेनी स्टॉक होते कंपनी में, बहुत सी कंपनीज का जो भी कंपनी का अपर सर्किट लगता रहता है। सो ये सारी चीज़ें आपको देख के एनालिसिस करके आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एंड आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ये सुज़लोन एनर्जी कंपनी में। ये कंपनी आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। कंपनी का फेस वैल्यू देखकर, कंपनी का फेस वैल्यू दिया है 2 रुपीज़ दिया हुआ है। सो ये तक कंपनी का डेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के प्रोज एंड कॉजेस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का प्रोसेस में दिया है कंपनी हैज़ रिड्यूस द डेप्ट। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कंपनी ने अपना जो डेप्ट रिड्यूस किया हुआ है, एंड ये कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपको एक गुड क्वार्टर रिजल्ट भी देगी। एंड यहाँ पे कॉजेस की बात की जाए, तो कंपनी हैज़ अ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एंड प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीजेज ओवर लास्ट क्वार्टर्स लाइक -0.36%, एंड द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -18.81%। सो लास्ट 5 ईयर में कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ, पुअर सेल्स ग्रोथ हुआ लाइक कितना आप यहाँ पे देख सकते, दिया हुआ है -18.81% का हुआ है। प्रोमोटिंग होल्डिंग भी यहाँ पे कम हो गया, 16.05% का यहाँ पे प्रोमोटिंग होल्डिंग कम हो गया। एंड प्रोमोटर्स हैव प्लेस लाइक 88.54% ओवर देयर होल्डिंग्स। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोज एंड कॉजेस भी आपको देखनी जरूरी है, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने अपना डेप्ट रिड्यूस किया हुआ है, एंड कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स भी लास्ट टाइम अच्छे आए थे। कंपनी एक्सपेक्ट भी करती है आपको गुड क्वार्टर रिजल्ट भी देखिए। बेसिकली क्या बात, अगर कंपनी का अगर क्वार्टरली अगर लास्ट का जो रिजल्ट अगर अच्छा आया है, तो नेक्स्ट टाइम भी कंपनी का रिजल्ट जो अच्छा आ सकता है, एंड एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी ने आपको बोला भी कि वो क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्ट करती है आपको अच्छा देगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीएस कंपैरिजन। सो यहाँ पे वैसे बहुत सी कंपनीज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 कंपनीज यहाँ पे कंपटीशन में है सुज़लोन एनर्जी के रिलेटेड। बाकी की भी कंपनीज हैं जो आपको लाइक डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सी कंपनीज आपको लाइक डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं। बट यहाँ पे अगर आप सुज़लोन एनर्जी का देखें, तो यहाँ पे इसका जो प्राइस है सबसे कम है कंपेयर टू लाइक अदर 7 कंपनीज। सो यहाँ पे मेन कंपनी के बारे में क्यों डिस्कस करी, बिकॉज क्या अगर आप इसमें चाहते आप लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते, बाकी के अगर स्टॉक के प्राइस देखें तो बहुत ही ज़्यादा हैं। एंड BHEL का देखें तो 51.14, इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी देखिए कंपनी डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। फर्स्ट
सो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्थ नंबर पे जो कंपनी का नेम दिया है क्रॉम्पटन जीआर कंस्ट्रक्शन कंपनी। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो कंपनी का 390.50 रुपीस का कंपनी का शेयर है। इसका पी आप देख सकते हैं, कंपनी का डिविडेंड देख सकते, कंपनी आपको 1.41% का आपको डिविडेंड प्रोवाइड करी कंपेयर टू अदर कंपनीज। ये कंपनी आपको ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करी। सो अगर आप डिविडेंड वाइज जाना चाहें तो अभी कंपनी में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, बट आपको कंपनी के लास्ट 5 ईयर कंपनी का आपको परफॉर्मेंस देखना है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो कंपनी का अच्छा खासा रिजल्ट भी इसका भी आया है, माइनस में नहीं है। सो कंपेयर टू लाइक लास्ट ईयर कंपनी का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया हुआ है। एंड यहाँ पे आप जैसे कि सीजी पावर एंड इंडस्ट्री कंपनी का आप देख सकते हैं, इसका भी अगर आप देखें तो ये आपको डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, बट इस कंपनी का मार्केट कैपिटल देखे, नेट प्रॉफिट देखे एंड इसका सेल्स अगर क्वार्टरली का देखे तो अच्छा खासा इसका हुआ है। ये सारी चीज़ आपको एनालाइज करके देन तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्टार्टिंग की जो दो कंपनीज है इसमें देखे तो कंपनी का लाइक लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट का कंपेयर के थ्रू इसका जो क्वार्टरली जो भी रिजल्ट है वो कम आया, मतलब प्रॉफिट बहुत कम आया कंपेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट। सो ये सारी चीज़ आपको एनालाइज करके तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो ये था पीयर्स कंपैरिजन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। सो बेसिकली इसमें आपको ये सारी चीज़ आपको लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको देखना जरूरी है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका दिसंबर का जो लास्ट क्वार्टर जो भी रिजल्ट है December 2021 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है 286 का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है ये कंपनी का। अगर आप अदर इनकम्स में देखते हो तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे जितने भी है सब करोड़ में दिया हुआ है, 5 करोड़ का हुआ है। ये कंपनी का इंटरेस्ट देखो तो ये कंपनी का इंटरेस्ट भी कम हो गया है 186 का कंपनी का इंटरेस्ट है एंड कंपनी ने अपना डेप भी रिड्यूस किया। तो बेसिकली ये बात हुई कि अब कंपनी ने अपना इंटरेस्ट जो है कम किया, पे किया हुआ है। एंड कंपनी का अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखो तो कंपनी का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 38, यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट दिसंबर 2021 का क्वार्टरली रिजल्ट का बात करी मैं, यहाँ पे देखो तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट हो 38 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। सो यहाँ पे अगर आप देखें बाकी की भी जो भी आप मंथ में देखें या फिर ईयर वाइज भी कंपेयर करें तो कंपनी का उतना खासा प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट का अगर यहाँ पे December 2021 का देखें तो कंपनी का 38 करोड़ कंपनी का ग्रैंड नेट प्रॉफिट आया है। कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ने अपना डेब्ट रिड्यूस के इंटरेस्ट से पे किया हुआ है। सो ये जो चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं एंड कंपनी एक्सपेक्ट भी करती कि आने वाले जो भी क्वार्टरली 4 या क्वार्टरली 5 जो भी इसके रिजल्ट्स रहेंगे ऐसे ही रिजल्ट्स आएंगे, बहुत अच्छा खासा रिजल्ट आने वाला है। इसका न्यूज़ भी एक आया हुआ है, वो भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो ये सारी चीज़ आपको एनालाइज करनी आनी चाहिए कि क्वार्टरली रिजल्ट कैसे एनालाइज करते हैं। ये सारी चीज़ आपको बेसिकली इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है, अदर इनकम्स हो गए इंटरेस्ट एंड कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस का आपको ये देखना है एंड नेट प्रॉफिट देखना है। बेसिकली ये सारी चीज़ आपको एनालाइज करनी आनी चाहिए, देन आप ये सोच सकते हैं कि कैसे एनालाइज करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच सकते हैं कंपनी में। देन नेक्स्ट कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है March 2019 में था 19.82% बट अगर आप December 2021 का देखें तो यहाँ पे हो गया 16.04%। सो बेसिकली प्रमोटर का जो शेयर होल्डिंग है वो कम हो गया। यहाँ पे FII का शेयर होल्डिंग भी देखें तो वो भी कम होगा बिकॉज स्टार्टिंग March 2019 में था 6.25 एंड December 2021 में आके हो गया 4.85%। DII का शेयर होल्डिंग अगर आप देखें तो DII का शेयर होल्डिंग March 2019 में था 7.90% एंड December 2021 में आके हो गया 14.62%। पब्लिक का शेयर होल्डिंग अगर आप देखें तो March 2019 में था 66.74% एंड अगर आप December 2021 में देखें तो हो गया 64.49%। सो यहाँ पे जो प्रमोटर शेयर होल्डिंग है वो कम हो गया है, FII का शेयर होल्डिंग कम हुआ, DII का शेयर होल्डिंग कम हुआ है, प्लस पब्लिक का शेयर होल्डिंग भी कम हुआ है। सो ये सारी चीज़ें आप देखें तो आप ये सारी चीज़ें आप देख के चले तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट यहाँ पे जब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न वो जब भी प्रमोटर शेयर होल्डिंग की सारी चीज़ें कम हुई हैं, बट बेसिकली आप अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से जाएं तो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है एंड कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स भी देगी एंड बट ये कंपनी आपको डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। सो ये था कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो चलिए अब हम कंपनी का लास्ट 5 ईयर कंपनी का ग्राफ का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो गाइस अगर आप December 2018 से लेके अगस्त 2020 तक यहाँ पे देखो तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है बीच में बहुत ही ज़्यादा कम था, अभी देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबल परफॉर्मेंस दिया हुआ है, एक ही जगह पे रुका हुआ है। बट अगर आप June 2021 से देखें तो कंपनी का जो ग्राफ है वो अपर साइड जा रहा है, मीन्स कंपनी का जो परफॉर्मेंस वो अच्छा जा रहा है एंड ये भी एक्सपेक्ट भी करते हैं क्योंकि कंपनी का जो भी लास्ट क्वार्टर जो भी रिजल्ट 4 या 5 जो भी आने वाले हैं वो भी कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे खासे रहेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी है। एंड एक और चीज़ जो मैं आपको बोलती कंपनी का एक न्यूज़ निकल के आया है
सो ये कंपनी है सुजलन एनर्जी कंपनी है, ये BSE एंड NSE में जो कंपनी लिस्टेड थी वहाँ से वो डीलिस्टेड होने वाली है बिकॉज रिलायंस कंपनी ने सुजलन एनर्जी को टेक ओवर कर लिया है। सो ये जो कंपनी है डीलिस्टेड होने वाली है BSE और NSE से। सो ये था एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़। सो गाइज थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक वीडियो देखा, एंड गाइज अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोज़ के।